हेलो एवरी वन आई एम आशी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम और मेजर बायोम ऑफ द वर्ल्ड इससे पहले वाली वीडियो में हम एक्वाटिक इको सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो so, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इको सिस्टम जिसमें कि हम टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जो मेजर बायोम है हमारे वर्ल्ड के उनके बारे में भी पढ़ेंगे जैसे कि टंडरा फॉरेस्ट डेजर्ट ग्रास लैंड टेगा ओके सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक सबसे पहले हम देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल इको क्या है सो एन इको सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कम्युनिटी ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर इंटर रिलेटेड ठीक है इकोसिस्टम क्या है कम्युनिटी का एक कलेक्शन है जिसमें कि दोनों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटर रिलेट करेंगी ठीक है जैसे कि जहाँ पे बायोटिक और ए बायोटिक दोनों ही जो फैक्टर्स हैं वो जब इंटर रिलेट करेंगे आपस में तब जाके एक इकोसिस्टम एक बनेगा वाइल मैनी इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑन लैंड एंड इन वाटर ऑफ द वर्ल्ड ठीक है जैसे कि बहुत सारे इको सिस्टम हैं जो कि लैंड पे और वाटर में एग्जिस्ट करते हैं पूरे दुनिया में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर दोज दैट आर फाउंड ओनली ऑन लैंड और जो टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम होगा वो कौन सा होगा जो सिर्फ लैंड पे फॉर्म होगा ठीक है वाटर और लैंड दो मेन कैटेगरीज होंगी ठीक है तो वाटर वाला कौन सा है एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये वाला कौन सा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि लैंड वेस्ट है ठीक so, है सो द बायोटिक एंड लिविंग थिंग्स फाउंड इन एन इको सिस्टम इंक्लूड वेरियस लाइफ फॉर्म सच एस प्लांट्स एंड एनिमल जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें क्या है सारी लिविंग थिंग्स आ जाएंगी ठीक है इकोसिस्टम में जो बायोटिक फैक्टर है उसमें सारी लिविंग थिंग्स आएंगी जैसे कि लाइफ जो होगी वो इसी में होगी प्लांट्स uh, एनिमल्स ये सारे बायोटिक फैक्टर्स में होंगे और जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी जैसे कि uh, कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स और द क्लाइमेट एयर वाटर ये सारी किस में आएंगे एबायोटिक फैक्टर में सनलाइट एयर ये सब एबायोटिक फैक्टर्स में आएंगे और नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे जो कि इकोसिस्टम में हमें मिलेंगे ठीक है अब जो डेफिनेशन है इकोसिस्टम और बायोम इन दोनों में कंफ्यूजन अगर है तो हम उसको आज क्लियर करेंगे ठीक है कि इकोसिस्टम क्या है और एक बायोम क्या है ये दोनों अलग अलग टर्म हैं और काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों में सो so, फर्स्टली इकोसिस्टम इकोसिस्टम सिस्टम आर द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटा सचेस प्लांट एंड एनिमल विद इन द इन्वामेंट एंड मैनी इकोसिस्टम कैन मेक अप अ सिंगल बायोम ठीक है इको क्या है इंटरेक्शन है किसमें बायोटा के बीच में जैसे कि प्लांट्स एनिमल और इन्वायमेंट जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब जाके एक इकोसिस्टम बनेगा ठीक है जिसमें कि बायोटिक फैक्टर्स बायोटिक फैक्टर्स में सारे लिविंग थिंग्स लिविंग बीइंग कौन कौन से एनिमल प्लांट्स ये आ जाएंगे और एबायोटिक फैक्टर्स जिसमें कि एयर वाटर सनलाइट ये सब आ जाएंगी लैंड ठीक है तो ये शब्द आपस में मिलकर जब इंटरेक्ट करेंगे तब जाके एक, एक सिस्टम बनेगा ठीक है इको छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है तो एक सिंगल बायोम में हमें अलग अलग इको देखने को मिल सकते हैं बट एक ईको एक में हमें बायोम देखने को नहीं मिलेगा ठीक है जब एक बड़ा सा बायोम में हमें अलग अलग इको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इको एक छोटा पार्ट है और एक बायोम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पार्ट है ठीक है न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्लो आल्सो प्ले आ क्रिटिकल रोल इन इकोसिस्टम अब बायोम क्या है अब बायोम इज एन एरिया क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज दैट लिव इन दैट लोकेशन ठीक है बायोम एक ऐसा एरिया है जो कि वहाँ की स्पीसीज के द्वारा क्लासीफाइड है ठीक है जो कि उस लोकेशन में मिलेंगी या पाई जाएंगी टेम्परेचर रेंज सॉयल टाइप द अमाउंट ऑफ लाइट एंड वाटर आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड फॉर्म द नीश फॉर स्पेसिफ़िक स्पीसीज अलाउं साइंटिस्ट टू डिफ़ाइन द बायोम ठीक है क्या क्या फैक्टर्स हैं टेम्परेचर रेंज वहाँ की वहाँ का कैसा टेम्परेचर है वहाँ की कैसी सॉयल टाइप है मिट्टी कैसी है वहाँ पे कितनी सनलाइट और वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे कितनी रेनफॉल है इन सब के बेसिस पे उस प्लेस के अकॉर्डिंग जब वहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पीसीज पाई जाएंगी तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे बायोम कहेंगे ठीक है बेसिकली आप uh, ईजी वे में समझना चाहें तो इको में क्या होगा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब जाके एक, एक सिस्टम बनेगा ठीक है और बायोम में क्या हो रहा टेम्परेचर के प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल सनलाइट और हाइट एल्टीट्यूड इसके अकॉर्डिंग जब वो एक एरिया में उसी टाइप की स्पीसीज पाई जाएंगी तो वो एरिया कैसा बायोम कहलाएगा एक पर्टिकुलर एरिया ठीक है दो बायोम कभी सेम हमें देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है नाउ टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम कितने टाइप्स में कैटेगराइज है ये सो टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम ऑन अवर प्लानट कैन वी फर्दर डिवाइडेड इंटू सिक्स मेज़र टाइप छः मेज़र टाइप्स में ये डिवाइडेड है कौन कौन सा टंडरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम फॉरेस्ट इको सिस्टम के अंडर ही तीन हमें देखने को मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट इको सिस्टम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इको सिस्टम और बोरियल और टैगा फॉरेस्ट नेक्स्ट है ये थर्ड होगा ये फोर्थ ग्रास लैंड एंड डेजर्ट ठीक है बेसिकली कितने हैं चार हैं टुंड्रा फॉरेस्ट ग्रास लैंड एंड डेजर्ट फिर ये ही सब डिवाइडेड हैं दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टिंग इकोसिस्टम आर बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स सच एज देयर जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं वो टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन सॉइल ई टी सी ठीक है एंड देयर टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड अदर कितना टेम्परेचर है कितनी बारिश होगी कितना उसका सॉयल टाइप क्या है एल्टीट्यूड क्या एटीट्यूड क्या है ये सब इन सब के बेसिस पे ये डिवाइडेड हैं। अब इस चार्ट से हम समझते हैं सबसे पहले टुंड्रा ठीक है जो कि सबसे ऊपर पाया जाएगा पोल्स पे। सबसे कोल्ड जो होगा वो कौन सा टंड्रा होगा उसके बाद आएगा टैगा जो कि पोल्स के एग्जैक्ट नीचे होगा ठीक है सब आर्किटिक में ये आर्किटिक और ये सब आर्किटिक उसके बाद आएगा फॉरेस्ट ठीक है तो ये मिडल में हमें देखने को मिलेगा टैगा के जस्ट नीचे टेम्परेट फॉरेस्ट ग्रास लैंड डेजर्ट ये टेम्परेट जोन में हमें देखने को मिलेंगे और मॉइस्चर जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो मॉइस्चर डिक्रीज होता जाएगा इस साइड एट पाया पाया जाएगा एरिया और इस साइड ड्राई जोन पाया जाएगा ठीक है टेम्परेट के नीचे आएंगे ट्रॉपिकल इक्वेटर का जो एरिया होगा वहाँ पे रेन फॉरेस्ट सवाना ग्रास और ये डेज़र्ट हमें देखने को मिलेंगे एक और ये चार्ट है इससे हम समझते हैं इसमें क्या होगा ये है एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब साल में कितनी बारिश होगी और ये है एवरेज टेम्परेचर ये यहाँ से ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर होगा और ज़ीरो से हंड्रेड के बीच में जब एनुअल प्रेसिपिटेशन होगी हंड्रेड सेंटीमीटर और ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब जो एरिया हमें देखने को मिलेगा इस रेंज में हमें एरिया देखने को मिलेगा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट ओके ऐसे ही जैसे अगर हम देखें कि जो ट्रॉपिकल एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं तो वो कब देखने को मिलेंगे जब बारिश कितनी होगी चार सौ से भी ज़्यादा एनुअल जो रेन है प्रेसिपिटेशन है वो 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और टेम्परेचर कैसा होगा वहाँ का 20 डिग्री तक में तब हमें कैसी uh, क्या देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको हम कहेंगे ठीक है ऐसे ही प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये सारे एरिया डिवाइडेड हैं और ऐसे ही जो ये टुंड्रा है जो कोल्ड uh, में है वो कहाँ पे देखने मिलेगा देखिए जब माइनस टेन डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ का होगा और प्रेसिपिटेशन कितनी होगी हंड्रेड सेंटीमीटर से भी कम प्रेसिपिटेशन होगी ठीक है ज़ीरो टू हंड्रेड तब हमें ये एरिया कैसा है पूरा आर्कटिक जोन है आ, पोल्स में जो पाया जाएगा कोल्ड रीजन होगा वो टुंड्रा होगा ठीक है मेज़र बायोम ऑफ दी वर्ल्ड जो बायोम्स हैं पूरी दुनिया में कौन कौन से हैं कहाँ कहाँ पे हैं इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं सो तो जो टुंड्रा बायोम है वो कैसा है पूरा आर्कटिक जोन में है ठीक है सो ये वाले जोन में इसमें तो आप ये देख सकते हैं जो बायोम है ये जो पर्पल कलर में है ये कहाँ है एकदम पोल्स पे ठीक है ये एरिया कौन सा है टंडरा जो कि पोल्स पे है उसके बाद आएगा टैगा एग्जैक्ट नीचे है पोल्स के ठीक है डार्क ग्रीन ये एरिया ये आएगा टैगा में उसके बाद मिक्स एंड डेसीडियस फॉरेस्ट जो कि टैगा के जस्ट नीचे हमें देखने को आ, मिलेगा ये वाला एरिया उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि इक्वेटर पे हमें देखने को मिलेगा मोस्टली ये एरिया स्टेफीज सवाना ठीक है ग्रास लैंडस जो ये देखने को हमें मिलेंगी इक्वेटर के पास कुछ ये ठीक है थीके? उसके बाद डेजर्ट डेजर्ट एरिया कोल्ड डेजर्ट हॉट डेजर्ट ये जो यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है मेडिटेरियन वेजिटेशन माउंटेन अल्पाइन टुंड्रा और माउंटेन फॉरेस्ट ये भी एक टाइप का क्या है टुंड्रा है बायोम है जो कि माउंटेन्स पे पाया जाएगा अल्पाइन टुंड्रा जो कि हाई एल्टीट्यूड पे मोस्टली माउंटेन में जो पाया जाएगा वो अल्पाइन टंड्रा होगा जो कि यहाँ पे आपको जैसे कि हिमालय्स में देखने को मिल जाएगा ठीक है ये लोकेशन थी वर्ल्ड मैप पे फर्स्ट है टंड्रा बायू सो so, इसमें क्या क्या है टेम्परेचर यूजअली रेंज बिटवीन माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस एंड एटीन डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा माइनस फोर्टी डिग्री से एट्टीन डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा ठीक है ये कहाँ पर पाया जाएगा जैसे कि ये अर्थ है ये इक्वेटर और ये पोल्स वाला जो एरिया है यहाँ पे ये टंड्रा बायोम हमें देखने को मिलेगा ठीक है दिस बायोम सी वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी मिलीमीटर सिक्स टू टेन इंच ऑफ रेन पर ईयर ठीक है कितनी बारिश होगी छः से दस इंच तक यहाँ पर ईयर बारिश होगी इस बायोम में ऑलमोस्ट नो ट्री ड्यू टू शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड परमाफ्रॉस्ट जो सॉइल होगी यहाँ पे कोई भी ट्री नहीं मिलेगा देखने को बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे देखने को क्योंकि यहाँ की सॉइल परमा फ्रॉस्ट होगी और परमा फ्रॉस्ट सॉइल कैसी होगी जैसे कि ये सॉयल है मिट्टी है और फिर इसके ऊपर क्या होगा ये आइस होगी ठीक है इतनी जब यहाँ पे आइस होगी और इसके नीचे थोड़ा सा सॉइल होगी तो ये ऐसी सॉइल कैसी होगी उपजाऊ नहीं होगी ठीक है इसमें पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा लाइक इन मोसेस ग्रास सेज एंड शब्स ये देखने को कुछ मिल जाएंगे फ्लोरा ठीक है और लोकेशन क्या है रीजन साउथ ऑफ़ द आइसकेप ऑफ आर्किटेक्ट ठीक है आर्किटेक्ट जैसे कि बताया नॉर्थ पोल में सबसे ऊपर ठीक है एंड एक्सटेंड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका यूरोप साइबेरिया, हाई माउंटेन टॉप्स ठीक है इसी एरिया में ये देखने को हमें मिलेगा अब ये भी सब डिवाइडेड हैं दो कैटेगरीज में कौन कौन सी आर्किटेक्ट टुंड्रा और अल्पाइन टुंडरा सो so, फर्स्ट है आर्किटिक टुंड्रा इसमें क्या होगा इज ओनली लिमिटेड टू द नॉर्दर्न हेमिसफेयर ये कौन सा होगा जैसे कि ये आर्थ है, ये आर्थ है, ये ये अर्थ अर्थ है 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 ठीक इक्वेटर और पोल ठीक है तो ये कौन सा नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जो पाया जाएगा आर्किटिक टुंड्रा ठीक है पर्टिकुलरली इन द एरिया सराउंडिंग ऑफ नॉर्थ पोल जो नॉर्थ पोल का एरिया होगा uh, इसके दो सीजन होंगे कौन कौन से समर एंड विंटर कूलर समर में टेम्परेचर कितना होगा यहाँ का थ्री टू सिक्सटीन डिग्री और विंटर में ए, बहुत ज़्यादा फ्रिजेड होगा कैसा टेम्परेचर होगा माइनस सेवेंटी डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर होगा ठीक है लो प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम बारिश होगी वन सिक्सटी से टू फिफ्टी मिलीमीटर तक की मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो ठीक है बारिश एक तो होगी नहीं होगी तो कैसी होगी स्नो के फॉर्म में बारिश होगी ठीक है बर्फ के फॉर्म में आर्किटेक्ट टुंडरा हेजा फ्रोजन सब लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड परमा फ्रॉस्ट परमानेंट्री वेदर द ग्राउंड इज कवर्ड इन स्नो और नॉट ठीक है जो सॉइल होगी कैसी होगी परमा फ्रॉस्ट होगी मतलब बहुत ज़्यादा कवर्ड होगी आइस से लेयर्स से आइस की ठीक है इस जिसके कारण वहाँ पे पेड़ पौधे हमें देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है और कैरेक्टरिस्टिक वाइल्ड लाइफ अडेप्ट टू द रीजन पोलर बियर जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने को मिलेगी वो कैसी हो कौन कौन सी पोलर वियर्स आर्किटेक्ट फोर्स आर्किटेक्ट सील्स ई टी सी ये सब हमें यहाँ देखने को मिलेंगे नेक्स्ट है अल्पाइन टुंडरा सेकेंड ठीक है सो जो आर्किटेक्ट टुंडरा था वो कहाँ पे सिर्फ हमें नॉर्थ पोल के एरिया में ही आर्किटेक्ट एरिया में ही देखने को मिलेगा ठीक है उसका वही एरिया है बट अल्पाइन टंडरा जो कि माउंटेंस पे हाईली जो माउंटेन्स हैं वो कहीं पे भी होंगे तो वो एरिया कैसा होगा अल्पाइन टुंडरा के अंडर में आएगा ठीक है यू कैन फाइंड अल्पाइन टुंडरा वेन एवर दे आर इज अ हाई एल्टीट्यूड ऑन अर्थ ठीक है मोस्टली माउंटेन एरिया नो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग सीजन ऑल दो विंटर आर कोल्ड विंटर्स कैसी होंगी ठंडी होंगी मोर ओवर क्लाइमेट कंडीशन कोड डिस्ट्रिक्ट चेंज विद इन अ डे प्रेसिपिटेशन कैसी होगी यहाँ पर बारिश कैसी होगी इज हायर इन कम्पेरिजन टू आर्किटेक्ट टुंडरा ठीक मतलब, है मतलब आर्किटिक्ट टुंड्रा की कंपैरिजन में यहाँ पे बारिश ठीक ठाक होगी कितनी इट रिमेंस अराउंड वन एट्टी टू थाउजेंड मिलीलीटर तक यहाँ पे बारिश होगी अल्पाइन टुंड्रा हैज़ स्नो कवर्ड ग्राउंड यहाँ पे भी जो ग्राउंड होगा कैसा होगा स्नो कवर्ड है हाई एल्टीट्यूड पर पाया जाएगा तो कैसा होगा स्नो कवर्ड होगा बर्फ से कवर होगा ग्राउंड पूरा बट परमा फ्रॉस्ट इज़ अपसेंट हीयर लेकिन यहाँ परमा फ्रॉस्ट जो सॉइल है वो यहाँ पर नहीं पाई जाएगी इट अलाउड इट अलाउज वेटर ड्रेनेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन टू सो सॉइल यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन और ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होगा सॉइल में ठीक है एज अल्पाइन टुंडरा इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीज़न जैसे कि बताया आर्किटिक टुंडा एक ही एरिया में है आर्किटिक नॉर्थ पोल के एरिया में ही है ठीक है आर्किटिक टुंड्रा बट अल्पाइन टुंडरा का क्या है एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है ठीक है तो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होगी वो भी डिफरेंट होगी प्लेस टू प्लेस पे ठीक है जैसे कि जो हाई एल्टीट्यूड पे माउंटेंस पे पाया जाएगा वो कौन सा होगा अल्पाइन टुंडरा तो अलग अलग जगह की अलग अलग वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलेगी वन स्पीसीज़ इन आ स्पेसिफ़िक अल्पाइन टुंडरा में नॉट बी फाउंड इन अनदर सेम स्पीसीज़ नहीं पाई जाएंगी अलग अलग टुंडरा में ठीक है ये डिफ़र हो सकती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल येलो बेलीड मार्मोट आर नेटिव टू ओनली नॉर्थ अमेरिका अल्पाइन टुंडरा ये एक स्पीसीज़ है वो जो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका अल्पाइन टंडरा में ही हमें देखने को मिलेगी और बाकी अलग अलग हर जगह अलग अलग ही देखने को मिलेंगी ये है आर्किटेक्ट टंडरा जो कि पोल्स पे हमें देखने को मिलेगा नॉर्थ पोल्स पे और ये है अल्पाइन टंडरा जो कि हाई एल्टीट्यूड पे मोस्टली माउंटेंस में हमें जो फाउंड होगा माउंटेंस रीजन में जो कि देखने को मिलेगा ठीक है ये है लोकेशन टंड्रा ठीक है जो पर्पल कलर में है नॉर्थ पोल ठीक है और आर्किटिक और एक ये तो जो ये वाला होगा ये कौन सा होगा अल्पाइन क्योंकि ये कहाँ है हिमालयाज में हाई एल्टीट्यूड पे है और बाकी जो इस एरिया में होगा वो कौन सा होगा आर्किटिक टूड्रा ठीक है जो पोल्स पे होगा टूंडरा इज कूलेस्ट कोल्डेस्ट बायोम सबसे जो ठंडा बायोम है वो कौन सा है टुंडरा है ठीक है लोकेटेड इन पार्ट ऑफ अलास्का कैनेडा यूरोप एशिया एंड साउथ अमेरिका एशिया में ये ओके साउथ अमेरिका में थोड़ा सा ये कैनेडा अलास्का इस साइड और ये कुछ यूरोप का पार्ट ये लोकेशन है सो so, सेकेंड है फॉरेस्ट जिसमें टैगा टेम्परेट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएंगे सो so, टैगा और बोरियल फॉरेस्ट द नॉर्दर्न बोरियल फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन फिफ्टी डिग्री टू सिक्सटी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स ठीक है देखिए ये अर्थ ये इक्वेटर सो तो इस एरिया में ये नॉर्थ पोल हो गया ठीक है ये साउथ तो इसके नॉर्थ पोल के जस्ट एग्जैक्टली नीचे इस एरिया में जो पाए जाएंगे वो कौन से होंगे टैगा ठीक है इसका दूसरा नाम है और इसको हम क्या बोलते हैं टेम्परेट कॉनीफोरस टेम्परेट कॉनीफेरस फॉरेस्ट जो कि लोअर लेटीट्यूड्स टू नॉर्थ अमेरिका यूरोप एशिया इन दी हाई एलिवेशन ऑफ माउंटेन्स यहाँ पे ये इनकी लोकेशन है ठीक है कौन कौन सी नॉर्थ अमेरिका यूरोप एशिया और इन द हाई एलिवेशन ऑफ माउंटेंस जो माउंटेंस हाई एलिवेशन पे जो मिलेंगे ठीक है एवरेज टेम्परेचर कैसा होगा विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर होगा माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस से ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तक ठीक है और समर में जो टेम्परेचर होगा टेन डिग्री सेल्सियस से टेन डिग्री सेल्सियस तक ठीक है एवरेज टेम्परेचर थ्री हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड मिली मीटर तक ट्वेल्व टू थर्टी फाइव इंचज रेन होगी प्रेसिपिटेशन होगी पर ईयर ठीक है कितनी बारह से पैंतीस इंच तक और ट्रीज दैट प्रोड्यूस कोन एंड नीडल कॉल्ड कॉनीफेरस एवरग्रीन ट्रीज ठीक है जो कोन सेब्ड और नीडल सेब्ड के जो ट्रीज़ होंगे उनको हम क्या कहेंगे कॉनीफेरस एवरग्रीन ट्रीज़ जो कि इस यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस टाइप के जो इस टाइप के जो ट्रीज़ होंगे कौन सेब्ड में या नीडल सेप में तो वो कौन से होंगे कॉनीफेरस एवरग्रीन ट्रीज़ द टैगा हैज लॉन्ग कोल्ड विंटर वेन मोस्ट मेमल्स हाइबरनेट एंड बर्ड माइग्रेट और लीव द एरिया बिकॉज द विंटर आर टू कोल्ड फॉर देम टू स्टे ठीक है टैगा कैसा है एक बहुत ही कोल्ड रीज़न है बहुत ठंडा एरिया है विंटर्स में मोस्टली क्या होगा जो मेमल्स हैं और बर्ड हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे मतलब वहाँ से दूसरे प्लेस पे चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा वातावरण हो जाएगा विंटर्स uh, में ठंडियों में जो कि वहाँ पे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है उनके लिए इसलिए वो क्या करेंगे माइग्रेट कर देंगे चले जाएंगे दूसरे प्लेस में वहाँ से एनिमल लाइक विशेल ग्रॉस रैबिट दैट डू नॉट माइग्रेट और हाइवरनेट ग्रो डेंस फीदर और फर एंड टर्न वाइट टू मैच द स्नो जो ये एनिमल्स uh, जो माइग्रेट uh, नहीं करेंगे जो वहीं पर रहेंगे कौन कौन से विशेल्स ग्रॉस रेबेट्स इनमें क्या होंगे फर होंगे ठीक है जो कि उनको सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे विंटर्स में इनके बॉडी पे फर होंगे देखिए ये है टैगा कैसे हैं नीडल सेफ्ट ट्रीज हैं और कौन सेफ्ड ठीक है ये ऐसे लोकेशन देखिए ये कौन सा एरिया हो गया ये हो गया आर्किटिक रीज़न ठीक है पोल नॉर्थ पोल का एरिया और इसके एग्जैक्ट नीचे जो ये एरिया है फिफ्टी टू सिक्सटी डिग्री नॉर्थ ठीक है तो ये एरिया कौन सा है टेगा वाला जो पूरा येलो येलो है ये ये कुछ यूरोप एशिया का इस साइड नॉर्थ अमेरिका लोअर नॉर्थ अमेरिका ये लोकेशन है कुछ एरिया साउथ में भी है हल थोड़ा थोड़ा एरिया थोड़ा एरिया ये हमें साउथ में भी देखने को मिलेगा बट यहाँ पे लैक ऑफ लैंड मतलब कम जमीन होने के कारण यहाँ पे जो एरिया हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा ठीक है यहाँ पे ओशियन पानी ज़्यादा है लैंड कम है इसलिए मोस्टली एरिया कहाँ देखने को मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे नेक्स्ट है टेम्परेट डेसीडियस ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट ये कौन सा है देखिए यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा हॉट इन समर समर में गर्मी हो होगी होगी ठीक है विथ हाई कितना एट्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस तक टू एक्सट्रीम कोल्ड इन विंटर समर में बहुत ज़्यादा गर्मी और विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी इस टाइप का टेम्परेचर यहाँ का होगा विंटर में जो टेम्परेचर होगा वो कितना माइनस ट्वेंटी टू डिग्रीज प्रेसिपिटेशन कितनी यूजली बिटवीन सिक्स ट्वेंटी टू सिक्सटी इंच तक प्रेसिपिटेशन होगी एनुअली ठीक है दिस प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ये बारिश के फॉर्म में और स्नो के फॉर्म में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी कितनी ट्वेंटी टू सिक्सटी इंचज तक लोकेशन क्या है नॉर्दर्न हेमस्फियर ईस्टर्न एशिया सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट कुछ ये वाली इसकी लोकेशन होगी ठीक है ये वाला एरिया ड्यू टू एबंडेंट रेनफॉल एंड थिक सॉयल ह्यूमस अ वेराइटी अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ एंड वेजिटेशन यहाँ पे बहुत आ, सारी वेराइटी के प्लांट और वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ की सॉयल में क्या होगा ह्यूमस प्रेजेंट होगा रेनफॉल अच्छी होगी तो सॉयल अच्छी होगी सॉयल में ह्यूमस अच्छा प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से प्लांट लाइफ और वेजिटेशन में बहुत ही वाइड वेराइटी हमें देखने को मिलेगी क्या क्या मिलेगा मैपल ट्री वॉलट ट्रीज बर्ज ट्री ब्लू बेड लिली इंडियन कोकम्बर टाइकिन एंड मोसेस ये सब कुछ जो प्लांट्स और वेजिटेशन है देखने को मिलेगा ठीक है वाइल्ड लाइफ कैसी होगी इंक्लूडिंग वेरियस इंसेक्ट एंड स्पाइडर्स फॉक्स वॉल्स वियर कोयोट्स बॉपकेट माउंटेन लाइंस ईगल रेबिड डियर स्क्वेरल्स रकून ई ये कुछ वाइल्ड लाइफ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी लोकेशन अब आप मैप में देख सकते हैं कहाँ पे है टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट लोकेट इन ईस्टर्न हाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कैनेडा यूरोप पार्ट ऑफ रसिया चाइना एंड जापान ये लोकेशन है ठीक है डार्क ग्रीन सबसे पहले टुंड्रा ठीक है उसके बाद फॉरेस्ट ठीक है फॉरेस्ट में ही बोरियल और टैगा जो कि ये एरिया था और उसके बाद आएंगे टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्ट का ही पार्ट है जो कि ये एरिया है ठीक है तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे हमें ये रीज़न देखने को मिलेंगे सबसे पहले टुंड्रा फिर टैगा फिर टेम्परेट फिर उसके बाद ट्रॉपिकल तो किसके बेसिस पे लेटीट्यूड के बेसिस पे भी आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है फॉरेस्ट का ये कौन सा पार्ट है दूसरा है कौन सा टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट जो कि ये लोकेशन आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट कौन सा था टैगा बोरियल फॉरेस्ट जिसको हम कॉनीफेरस फॉरेस्ट भी कह रहे हैं ठीक है वो इसके एग्जैक्ट ऊपर होगा नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि बिल्कुल इक्वेटर के ही आजू बाजू हमें देखने को मिलेगा ठीक है इसमें क्या क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मेनली अगर इनसाइड द वर्ल्ड इक्वेटोरियल रीजन ठीक है ये वर्ल्ड और ये इक्वेटर इसके जो एकदम एग्जैक्ट यहाँ और यहाँ जो देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द लेटीट्यूड ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री नॉर्थ और ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री साउथ ये वाला एरिया ठीक है ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है तो इनके जो बीच का जो एरिया है ये वाला ये आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वेरी वेट विथ ओवर टू थाउजेंड मिली मीटर ऑफ रेनफॉ रेनफॉल पर ईयर यहाँ पे बारिश कैसी होगी धुआंधार ठीक है बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होगी कितनी दो हज़ार मिली मीटर वेरी वॉर्म विथ एन एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ़ ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस ठीक है यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो कितना ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस द एटमॉसफियर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा होगा गर्म और नमी वाला ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो सन है उसकी रेस सीधे पड़ेंगी कि वो एकदम सीधे पड़ेंगी इस एरिया में तो यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होगी गर्मी भी ज़्यादा होगी और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी देखने को मिलेगी और थिन लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल इज़ फाउंड एट द सरफेस वेयर द डेड लीव्स डिकम्पोज थिन लेयर प्रेजेंट होगी सॉइल में ठीक है सॉइल कैसी होगी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी ठीक है बहुत अच्छी सॉइल होगी जहाँ पे जो डेड डे, डे लीव्स हैं जो पेड़ की पत्तियाँ हैं वो गिर के डंपोज होंगी तो उसकी वजह से सॉयल कैसी हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी इट इज़ रेड इन कलर कलर रेड होगा क्यों क्योंकि ये आयरन से रिच होगी ड्यू टू हैवी रेनफॉल द न्यूट्रिएंट्स आर क्विकली वॉस्ड आउट ऑफ द सॉयल बहुत ज़्यादा बारिश के कारण जो न्यूट्रिएंट्स हैं सोइल में वो कैसे हो जाएंगे वो वॉश्ड आउट हो जाएंगे मतलब कि ये मिट्टी है ठीक है बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे वॉश अवे बह जाएंगे ठीक है फोना स्पीसीज कम्पास बैट्स मंकी स्नैक रिजार्ट जैगवार फ्रॉग एंड इनवर्टिवरेट्स ये कुछ वाइल्ड लाइफ या फिर फोना स्पीसीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी ठीक है और फ्लोरा में पंस लाइक इन मोसे सी ये कुछ हमें फ्लोरा देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ओके आप देखते हैं हम लोकेशन मैप पे सो so, क्या है ये देखिए ये इक्वेटर है ओके और जो इसके आजू बाजू ये है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है रेन फॉरेस्ट है ठीक है ये एरिया कौन कौन सा सेंट्रल अमेरिकन रेन फॉरेस्ट ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ठीक है अमेजॉन वो है यहाँ पे, कैनगो रिवर वैसिन रेन फॉरेस्ट ये यहाँ पे मेडागास का रेन फॉरेस्ट ये यहाँ पे और एशिया के पार्ट में जो साउथ ईस्ट एशियन जो ये एरिया है ये रेन फॉरेस्ट ठीक है इंडिया का भी कुछ ये इंडिया का कहाँ पे, जो वेस्ट बंगाल का जो सुंदर बन है वो और जो वेस्टर्न घाट पे जो हमें देखने को मिलता है ये वाला एरिया ठीक है तो वो भी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ठीक है में आ जाएगा और ऑस्ट्रेलियन रेन फॉरेस्ट ये वर्ल्ड मैप पे लोकेशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की और ये देखने में कुछ ऐसा होगा एवरग्रीन बड़े बड़े पेड़ होंगे बड़ी बड़ी पत्तियाँ होंगी ठीक है एकदम घना जंगल ठीक है नेक्स्ट है ग्रास अभी हमने क्या पढ़ा टुंडरा ठीक है उसके बाद फॉरेस्ट फॉरेस्ट में टैगा जिसको बोरियल और जिसको कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट भी हम बोलेंगे देन टेम्परेट डेसीडियस और उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है अब नेक्स्ट है ग्रास लैंडस सो ग्रास लैंड्स आर एरिया डोमिनेटेड बाय ग्रासेस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा ग्रास ग्रास मतलब घास बड़ी बड़ी घास जो वैसा एरिया होगा उसमें उसको क्या बोलेंगे हम ग्रास लैंड्स दे ऑक्यूपाई अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द लैंड ऑन दी अर्थ सरफेस ग्रास लैंड्स क्या है ट्वेंटी परसेंट जो लैंड का एरिया है अर्थ में वो कवर किए हुए हैं ठीक है थीके? ग्रास लैंड्स अकर इन बोथ इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन वेयर रेनफॉल इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ़ ट्री ठीक है ऐसा रीजन जहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है ठीक है ना मात्र जहाँ पे बारिश होगी वैसे एरिया को क्या बोलेंगे ग्रास ठीक है जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होंगे देखने को नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होगी ये दोनों ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में हमें देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीज़न मतलब जैसे कि ये इक्वेटर ये अर्थ ये इक्वेटर ठीक है तो जो एक ये पोल्स वाला एरिया हो गया और एक ये तो ये वाला टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन दोनों में हमें ग्रासलैंड देखने को मिलेंगी ग्रास लैंड आर फाउंड इन एरिया हैविंग वेल डिफाइंड हॉट एंड ड्राई वॉम एंड रेनी सीजन ऐसे एरिया में हमें ग्रास लैंड देखने को मिलेंगी जहाँ का एरिया गर्म होगा ड्राई होगा वॉम होगा ऐसा ग्रास लैंड रिसीव अबाउट फाइव हंड्रेड टू नाइन फिफ्टी मिलीमीटर ऑफ रेन पर ईयर द एवरेज टेम्परेचर अबाउट माइनस ट्वेंटी डिग्री से थर्टी डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा और रेनफॉल कितना होगा पाँच सौ से 950 मिलीमीटर mm तक यहाँ बारिश होगी ठीक है टेम्परेचर माइनस ट्वेंटी डिग्री से थर्टी डिग्री सेल्सियस तक फ्लोरा यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा द मोस्ट डोमिनेंट ग्रास लैंड्स प्लांट्स आर रेड ओट ग्रास होट्स ग्रास ग्रास पर्पल निडल ग्रास एंड गलेटा ये कुछ फ्लोरा हमें देखने को मिलेंगे फोना में डियर पेरी डॉग जैक रेबिट स्नक्स कोयोट स्नैक फॉक्स आउल बर्ड ग्रास होपर स्पैरो हॉक्स ये कुछ फ्लोरा देखने को फोना देखने को मिलेंगे ग्रास में ठीक है ये एरिया है देखिए ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पे लंबी लंबी घास सी देखने को मिलेगी ट्री होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे इतना रेनफॉल होगा नहीं कि बड़े बड़े पेड़ पौधे लग जाएं, सो तो ऐसा कुछ एरिया होगा अब लोकेशन देखते हैं हम वर्ल्ड मैप में क्या है ये जो आपको देखने को मिलेंगी डार्क ग्रीन ठीक है पेरीज पैम्पस सवाना, इस्टेफीज पेम्पस सवाना ठीक है ये अलग अलग नाम हैं ग्रास के ही ठीक है अलग अलग एरिया में अलग अलग, अलग नाम हैं ठीक है थीके? जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में पेरीज़ यूरेशिया यूरोप और एशिया में स्टेफीज़ अफ्रीका में सवाना साउथ अमेरिका में पैम्पस इंडिया में ग्रासलैंड सवाना ब्राज़ील में कैम्पस वेनेजोला में लियानोस साउथ अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन ये आ, अलग अलग नाम है कंट्री और रीजन के अकॉर्डिंग ठीक है सो वर्ल्ड मैप में ये लोकेशन है अब नेक्स्ट और लास्ट है डेजर्ट एरिया ऑफ लैंड दैट रिसीव नो मोर देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर टेन इंचज़ ऑफ प्रेसिपिटेशन पर ईयर डेजर्ट कैसा एरिया है जो दस इंच से मतलब ट्वेंटी फाइव से भी कम रेनफॉल रिसीव करता है मतलब वहाँ पे बारिश दस इंसी से ज़्यादा होती ही नहीं है ठीक है ऐसा एरिया उसको क्या बोलेंगे डेजर्ट ठीक है हॉट एंड ड्राई डेजर्ट कैन बी फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका साउदर्न एशिया अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया ये लोकेशन है हॉट और ड्राई डेजर्ट हॉट कैसा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी रेतीला होगा ठीक है और ड्राई कैसा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और बर्फ़ वगैरह होगी बट वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे ना पेड़ पौधे होंगे कुछ नहीं होगा ठीक है डेजर्टेड एरिया होगा एकदम बंजर जो वहाँ की मिट्टी होगी टेम्परेचर कैसा होगा ड्यूरिंग द डे डेजर्ट टेम्परेचर राइज टू एन एवरेज ऑफ थर्टी एट डिग्री सेल्सियस ठीक है दिन में टेम्परेचर कि, कितना जाएगा थर्टी एट डिग्री सेल्सियस तक और रात में टेम्परेचर कितना जाएगा माइनस थ्री पॉइंट नाइन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ का होगा दीज प्लांट्स इंक्लूड यहाँ पे फ्लोरा आ, कौन कौन से आ, देखने को मिलेंगे यूकस ओकोटिलो कुछ बुशेस प्रिकली पियर्स फॉल्स में स्कीट सुटोल एफिड्रास एगेव्स ब्रिटिल वशेज ठीक है ये कुछ फ्लोरा आ, फ्लोरास हैं जो कि डेजर्ट में आ, देखने को मिलेंगे ठीक है कैक्टस वगैरह भी और डेजर्टेड एनिमल्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे आंट वास्प लोकस्ट स्कोरपियन स्पाइडर डिजर्ट स्नेक हायर फॉक्स जैकेल कैट वर्ड लाइक क्वल डब कैमिल ये कुछ देखने को मिलेंगे फोना डेजर्ट में ओके ये आप देख सकते हैं एरिया ये हॉट एंड ड्राई डेजर्ट है ठीक है मेनली चार टाइप के हैं कौन कौन से हॉट एंड ड्राई डेजर्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा कोस्टल डिजर्ट जो कि समुद्र के किनारे मिलेगा सेमी अराइड और कोल्ड डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट का एक एग्जाम्पल हमारे इंडिया में लद्दाख है ठीक है और हॉट डिज़र्ट का हमारे इंडिया में थार डिज़र्ट ठीक है राजस्थान में सो so, मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं जैसे कि ये एरिया ये कैसा है हॉट डिज़र्ट है ठीक है ये एरिया अफ्रीका का नाम नाम है सहारा डिज़र्ट अरेबियन थार सोमाली ठीक है कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया का ओके और कुछ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका अमेरिका वाला पार्ट ठीक है so, सो ये हो गए हॉट डिज़र्ट और कोल्ड डेजर्ट ये वाला साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट ठीक है ग्रेट बेसिन और यहाँ पे ये वाला पार्ट गोभी डेजर्ट ठीक है यूरोप एशिया का जो ये कैसा है कोल्ड डेजर्ट तो ये लोकेशन है वर्ल्ड मैप पे डेजर्ट की ओके तो आज की वीडियो में क्या था ट्रा ठीक है उसके बाद फॉरेस्ट जिसमें कि टैगा बोरियल कॉर्नीफेरस एक ही है देन टेम्परेट डेसीडियस और उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ठीक है एंड देन थर्ड डेजर्ट और ग्रास ठीक है सो आज की वीडियो में टेरेस्ट्रियल इको के बारे में हमने देखा और ये ही मेजर बायोम है वर्ल्ड के ठीक है बायोम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली हैव अ नाइस डे